they are present only. जैसे मैं बैक करती हूँ ना, आपकी आवाज आती है तो बच्चे नोट डाउन कर रहे हो, मेरे को ना उनके नेम भूल जाऊंगी. In this chapter, first of all, I have discussed causes. ठीक है, 5 marks का टॉपिक है. इसमें आपने जब भी आपने causes लिखते हो, political causes, economic causes, ठीक है, social causes, then groups and party. अगर आप ये सारी चीजें mention करोगे, only then your 5 marks question will be completed. We have discussed political cause. We have discussed economics, we have discussed social. Now groups. ठीक है, टेस्ट में मैंने कुछ आपके ग्रुप्स बच्चों ने लिखे हैं, तो अभी तक दो चीजें क्लियर नहीं है. जब भी आप कोई भी ग्रुप लिखते हो ना, सपोज आप लिबरल लिख रहे हो और रेडिकल लिख रहे हो, बाकी सारी चीजें सेम है. लिबरल, दे बिलीव इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे बिलीव इन डेमोक्रेटिक आइडियाज, दे बिलीव दैट रूल ऑफ ज़ार शुड बी चेंज, दे बिलीव दैट people should be given equal rights, they believe that people should be given chance according to merit, yani ki rank ke basis ke upar nahi, merit ke basis ke upar, education ke basis ke upar unko proper rights chahiye. Same, dono ka belief same tha, but on one point radical, they were different from radical, that they believe in universal adult franchise and they didn't believe, it means they were in favor of giving equal rights only to men, but property or section ka matlab richer section of the society, and they believe in universal adult franchise, and they believe right to vote, voting rights should be given to women also. theek hai, baki aur kaun se group the humne padhe hain, conservative were those who were supporter of monarchy system. unka manna tha ki monarchy ko change na karo, slow changes ho, lekin kingship ko immediately revolt lakar change na kar do, king improvement kare, लेकिन कंट्री में किंग और क्वीन चर्च होना चाहिए. इट मींस कंजर्वेटिव का मतलब है दे बिलीव इन ओल्ड ट्रेडिशंस, चर्च एंड मोनार्की सिस्टम. ठीक है, इसके भी अलावा हमने दो और ग्रुप पढ़े थे, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है, जो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव करते हैं, जिनका ये मानना है कि सोसाइटी में प्राइवेट पीपल के हाथ में पावर होनी चाहिए, जिनका ये मानना है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज किसके कंट्रोल में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के नहीं बल्कि प्राइवेटली ओन्ड होनी चाहिए. सपोज अगर हमारी कंट्री में हम कहें कि जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, तो कैपिटलिस्ट का नाम सुनते ही आपके मन में किसका जो है वो नेम आता है, अंबानी, रिलायंस, टाटा, बिरलास, बाडियाज, जो हमारी मतलब 1947 से पहले की रिच फैमिलीज हैं, उनका नेम आता है. तो ये सारे क्या हैं, ये कैपिटलिस्ट. ठीक है, दूसरा ग्रुप है सोशलिस्ट. नाम से पता लगता है कि सोशलिस्ट का मेन आइडिया क्या है, सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर का मतलब इनका ये मानना है कि सोसाइटी में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, माइंस हैं, व्हाटएवर जो भी है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, सारा कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, गवर्नमेंट उनको उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि रिच और पुअर का गैप कंट्री में कम हो. द पीपल हु बिलीव इन दीज आइडियाज, दे वर कॉल्ड सोशलिस्ट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैंने किसका बताया था, कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, उसका ये मानना था कि रिच पीपल तभी रिच है क्योंकि वो वर्कर्स के प्रॉफिट को खाते हैं. ठीक है, इनका ये मानना था कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट. हैव्स मतलब जो रिच पीपल, हैव्स नॉट मतलब वर्कर्स. इन्होंने ये कहा, दास कैपिटल ने, इन्होंने ये जिसे कहते हैं ना कि नॉस्ट्रोडामस ने प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन ऐसा आएगा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन रेवोल्यूशन आएगा, और ये रेवोल्यूशन कौन लेकर आएंगे, वर्कर्स. और एक्चुअली ऐसा हुआ, रशिया में रेवोल्यूशन आया. उन्होंने कहा कि वर्कर्स जब तक चुप है चुप है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वर्कर्स रिवोल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी. और कितने सालों के बाद, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी थी दास कैपिटल, उस बुक का जो एंड था, उस एंड को इसमें किस कंट्री में इसको प्रॉपरली 100% सक्सेसफुल हुआ, रशियन रेवोल्यूशन. जो रेवोल्यूशन कौन लेकर आए थे, वर्कर्स. ठीक है, सोशलिस्ट हो गया. एक और मैंने आपको करवाया था रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरीज मतलब हमारी कंट्री में अगर हम कहें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो कंट्री में सडन चेंजेस लाकर. रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये पीसफुली चेंजेस नहीं, बल्कि इनको होता है कि जो चेंज है सडन चेंज लाकर क्या किया जाए, गवर्नमेंट को चेंज किया. और ऐसा रेवोल्यूशन कौन लेकर आए, करेंसकी एंड लेनिन. करेंसकी एंड लेनिन, इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है
एक पर्सन डेमोक्रेट भी हो सकता है, एक पर्सन रेवोल्यूशनरी भी हो सकता है, यानी कि वो बिलीव करता है कि वो डेमोक्रेसी में और वो चाहता है कि कंट्री की गवर्नमेंट को चेंज करके रेवोल्यूशन लेकर। तो एक पर्सन दो आइडियोलॉजी में भी विश्वास कर सकता है, वो कंजर्वेटिव भी हो सकता है लेकिन वो डेमोक्रेट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कंजर्वेटिव यानी कि मोनार्की सिस्टम पे बिलीव करता है। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी में अलग अलग तरह के ग्रुप्स है जिसके कारण कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन जो है वो 1905 का रेवोल्यूशन प्लान किया है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज में मेन दो पार्टीज पहले याद रखो, एसडीपी एंड एसआरई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। यही पार्टी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बन गई मेंशेविक, एक बन गई बोल्शेविक। मेंशेविक के लीडर ट्रॉट्स्की एंड बोल्शेविक के लीडर कौन बने? लेनिन। अब हमने ये बताना है, पहले आपने बताना है पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। आपने लेनिन का पढ़ा है, आपने ट्रॉट्स्की का पढ़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? लोगों को अपने साथ में लाती हैं, इश्यूज कंट्री में जितने भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को उठाती हैं और लोग उनके साथ मिलकर अपने लीडर के अकॉर्डिंग जो लीडर करता है वही करने की कोशिश करती है। तो 1905 से पहले भी कंट्री में पार्टीज बनी, बट दीज पार्टीज वर नॉट लीगल। लीगल का मतलब है कि किंग ने इनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी थी, दीज वर इलीगल। सबसे पहले एसडीपी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका ईयर नोट डाउन करो, ये बनी थी 1898 सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये पार्टी मेन वर्कर्स वर्कर्स ने बनाई थी 1898। ये पार्टी वर्कर्स वर्कर्स के रूप में बनाई थी ये पार्टी। ठीक है, और कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्स के आइडियाज को सपोर्ट करते। 1898 यानी कि रेवोल्यूशन आया 1905 में, पार्टी पहले ही बन गई थी। इसका मतलब कितना टाइम लगा इस पार्टी को आगे अपनी आइडियोलॉजीज या लोगों को इकट्ठा करने में, लेकिन ये पार्टी रेवोल्यूशन नहीं ला सकती। पार्टी का इम्पोर्टेंट आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 1905 से भी पहले पार्टी बनी थी लेकिन ये पार्टी लीगल नहीं थी, इलीगल थी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी। ठीक है, ईयर आपने याद रखना है, मार्क्स के आइडियाज पे बेस थी, वर्कर्स ने बनाई, लेकिन ये पार्टी रेवोल्यूशन नहीं प्लान कर पाई, पर एफर्ट बहुत किए उन्होंने। उसके बाद एक और पार्टी बनी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में पार्टी बनी। नाम से ही पता लगता है, बिलीव इन सोशलिस्ट आइडियाज एंड वांटेड टू ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री एंड वांटेड टू चेंज सार निकोलस रूल। लेकिन इस पार्टी में उस टाइम में लेनिन एंड करेंसकी जो थे मिलकर काम करते थे, पर इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। लेनिन के आइडियाज अलग थे, करेंसकी के आइडियाज अलग थे, इसीलिए आगे जाकर ये पार्टी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेनिन की पार्टी का नाम रखा गया बोल्शेविक एंड करेंसकी की पार्टी का क्या नाम था? मेंशेविक। ये याद रखो कि 1905 से पहले पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। किसके स्पेलिंग? मेंशेविक, एम ई एन एस एच ई डब्ल्यू आई के, मेंशेविक, बोल्शेविक, बी ओ एल एस एच ई डब्ल्यू आई के, बोल्शेविक। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी एसडीपी की, इसका ईयर 1900, इसका ईयर 1898। ये वन मार्क के अकॉर्डिंग भी अपने प्रिपेयर करनी। लेनिन का पूरा नाम क्या था? व्लादिमीर लेनिन। और करेंसकी का पूरा नाम अलेक्जेंडर करेंसकी। यहाँ तक क्लियर है? अलेक्जेंडर करेंसकी वाज़ द लीडर ऑफ मेंशेविक, व्लादिमीर लेनिन वाज़ द लीडर ऑफ बोल्शेविक। व्लादिमीर अलेक्जेंडर करेंसकी। यहां तक क्लियर है? ये सारा आपका क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का। कौन सा क्वेश्चन? कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन या सर्कमस्टांसेस बिफोर 1905। 1905 से पहले रशिया की कंडीशन क्या थी? ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ रेवोल्यूशन ईयर 1905।
रशिया में थ्री रेवोल्यूशन हुए, एक आया 1905 में, ठीक है, अब ध्यान से सुनना ईयर। उसके बाद 1905 के बाद 1914 से लेकर 1918 का जो ईयर है ये माने जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ईयर, ठीक है। 1905 में रेवोल्यूशन हो ये हमने डिटेल में पढ़ना है, जो 1905 में जो भी हुआ उसको कहा जाता है रेवोल्यूशन भी कहते हैं और ब्लडी संडे इंसिडेंट, क्योंकि ब्लड जैसे जलियांवाला बाग हम जानते हैं अपनी कंट्री में, ऐसे ही वहां पे जो भी इंसिडेंट हुआ many people they were killed and injured, that's why this is called Russian Revolution. जब मैं आपको बोलती कि बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता, कुछ नहीं था, सिंपल क्या था, बेस्टाइल वॉज टॉर्म, कहने को एक लाइन है, बेस्टाइल वॉज टॉर्म डिमोलिश, लेकिन उससे क्या हुआ कंट्री में आपको पता ही है कि लुई 16 को रिप्लेस कर दिया गया और उसके बाद कॉमन मैन जो है वो उसके हाथ में पावर है। ऐसे ही रशिया में 1905 में जो हुआ, लेकिन ज़ार निकोलस को चेंज नहीं कर पाया, बिकॉज एट दैट टाइम पुलिस सोल्जर्स ऑल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ज़ार निकोलस। लेकिन जब कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन आई, इन बिटवीन एक ईयर है 1917, यानी कि वॉर अभी बंद नहीं हुई थी, एक ऐसी कंट्री जो अंदर अपने ज़ार यानी कि ज़ार की अनजस्ट पॉलिसीज को झेल रही थी और दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बिजी थी, ऐसी कंट्री में लोगों को जब सेटिस्फाई नहीं किया गया, उनको फैसिलिटीज नहीं मिली, एंड मेनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टार्वेशन, सो दे ब्रॉट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन फिर से आया, पहला आया 1905 में, दूसरा आया 1917 में, लेकिन जो 1917 में आया ना उसको आगे टू पार्ट्स में हमने पढ़ना है, ठीक है। दोनों रेवोल्यूशन आए, अब पार्टीज याद करो, 1917 में फरवरी में जो रेवोल्यूशन आया उसको बोलते हैं मेंशेविक रेवोल्यूशन, और 1917 सेम ईयर फरवरी के बाद अक्टूबर अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन आया उसको बोलते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो कितने रेवोल्यूशन हुए, थ्री, वन इज ऑफ 1905, इसको ब्लडी संडे इंसिडेंट कहते हैं, सेकंड आया 1917 में, 1917 इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज फरवरी रेवोल्यूशन एंड नेक्स्ट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आपने कितने क्वेश्चंस पढ़ने, पहला आपने कर लिया कॉजेस, अब आपने जो मेन क्वेश्चन करना है आपको पूरा 1905 के बारे में डिटेल में बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी बताना चाहिए कि जब 1905 में ज़ार को चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पर में रशिया जो था वो वॉर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, कंट्री वॉर के लिए तैयारियां कर रही थी, फिर हमने पढ़ना है सेकेंड वॉर टाइम, हमने इसमें पढ़ना है वॉर टाइम, या हम ये भी कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ वॉर, इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन रशिया, कि रशिया उस टाइम में वर्ल्ड वॉर की किस कंडीशन से निकल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ना है कि वॉर के इंटर वॉर का मतलब होता है वॉर के टाइम पीरियड में 1917 में मेंशेविक यानी कि करेंसकी ने इस चीज का फायदा उठाया, फार्मर्स को, सोल्जर्स को, वर्कर्स को अपने साथ लिया और उन्होंने क्या किया फरवरी में ज़ार को चेंज कर दिया। फरवरी रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या आया, मेंशेविक ज़ार को चेंज कर दिया एंड हु बिकेम द रूलर, करेंसकी, करेंसकी रूलर बन गया। लेकिन फरवरी के बाद, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के मंथ में लेनिन ने करेंसकी की वीक कंडीशन का फायदा लिया, ठीक है। उसने देखा कि जो करेंसकी है he was not able to satisfy the people and उसने क्या किया, अपने कुछ प्रॉमिसेस करने शुरू कर दिए और उनकी हेल्प से जो लोग पहले करेंसकी को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने किन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेनिन, और लेनिन अप्रैल के मंथ में उसने कुछ प्रॉमिसेस किए, उसको क्या बोलते हैं अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतना टाइम लगा लेनिन को इन सभी लोगों को इकट्ठा करके कंट्री में अगेन ही प्लान्ड थर्ड रेवोल्यूशन, उसके इस रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और ये डेट आपने याद रखनी है, ये वाली जो डेट है ये डेट याद रखोगे 22 फरवरी, और ये डेट ये कौन सी याद रखनी है 24 अप्रैल,
24 अक्टूबर को क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी यानी कि जो लेनिन है उसने रशिया को कंट्रोल कर लिया, विंटर पैलेस उसके हाथ मतलब जो है वो कंट्रोल में आ गया एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ रशिया। अब इस वेट, अब इसमें आपने कितने नाम याद रखे, नंबर वन ज़ार निकोला सेकंड, 1905 में कौन था ज़ार, पहले कौन था तो भी ज़ार निकोला, 1905 के बाद कौन था ज़ार निकोला। लेकिन इंटर वॉर का मतलब है 1917 में कंट्री में दो रेवोल्यूशन आए, फरवरी में जो रेवोल्यूशन आया उसको लीड किसने किया, मेंशेविक पार्टी, और लीडर कौन थे, करेंसकी ने ज़ार को चेंज करके ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। कहने को वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आया लेकिन उसने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद लेनिन जो थे दूसरी पार्टी अगेंस्ट एंटी पार्टी थे, उन्होंने करेंसी की वीकनेस का फायदा लिया, कंट्री में जो लोग जो डिमांड्स कर रहे थे उसने उन डिमांड्स को फॉलो किया और अपना एक अलग से मैनिफेस्टो निकाला, उसके मैनिफेस्टो को क्या बोलते हैं, अप्रैल, ये अलग से क्वेश्चन आपको आएगा, राइट एंड नोट ऑन अप्रैल, अप्रैल अप्रैल के मंथ में लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए, एक्टिविटीज की, लोगों के साथ कैंपेनिंग स्टार्ट किया ताकि वो उसकी पार्टी को सपोर्ट करें, एंड मेनी पीपल दे सपोर्टेड लेनिन बिकॉज़ दे वर फेड अप फ्रॉम द करेंसकी। लोग जो है वो क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं ना, लोगों को सेटिस्फाई करना इजी नहीं होता। फिर अक्टूबर के मंथ में थर्ड रेवोल्यूशन वाज प्लान्ड, लेनिन ने प्लान किया और करेंसकी को चेंज कर दिया, देन ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ रशिया। अब खुद सोचो कि 1905 से लेकर 1918 तक कंट्री में अलग अलग जो है वो गवर्नमेंट चेंज होती गई, और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, लेनिन की पॉलिसीज, और लेनिन की डेथ के बाद इस पार्टी को किसने संभाला, किसने संभाला, ये मेरे नाम याद रखिए, ये हमारा पूरा चैप्टर। फिर से नंबर वन क्या है, कॉजेस, पहले टिप्स पे चैप्टर याद रखो, कॉजेस के बाद, कॉजेस के बाद ब्लडी संडे इंसिडेंट, उसके बाद कौन सा टाइम पीरियड मेन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद अच्छा अपने माइंड में रखो 1917 का रेवोल्यूशन, 1917 में कितने रेवोल्यूशन आए, फर्स्ट रेवोल्यूशन कौन लेकर आया, मेंशेविक को लीड किसने किया, करेंसकी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, डेमोक्रेटिक लेकर तो आया लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस कर पाया, दैट्स व्हाई पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांटेड टू चेंज अगेन, करेंसकी सो दे सपोर्टेड लेनिन, लेनिन ने लोगों का सपोर्ट लेने के लिए जो करेंसकी नहीं दे पाया उसको अप्रैल थीसिस की वे में लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही ब्रॉट डाउन द रूल ऑफ करेंसकी एंड बिकेम द रूलर ऑफ रशिया। कहने को ये भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेकर आया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रूलर कॉमन मैन के पास जब पावर आती है वो पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव। फिर हमने क्या पढ़ना है कि लेनिन क्या क्या चेंजेस लेकर आया, क्या उसने अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट किया, यस और नो, यस किया, लेकिन साथ ही नेगेटिव भी हो गया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वन पार्टी नेशन कर दिया, रशिया में क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, लोगों को राइट्स तो दिए लेकिन ट्रेड यूनियंस को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि लोग स्ट्राइक ना कर सके, पुलिस को अपने कंट्रोल में कर ली, तो उसके बाद लेनिन की डेथ के बाद किसका रूल आया, स्टालिन। ऑन द होल देखा जाए कंट्री में सोशलिज्म कौन लेकर आया था, सोशलिस्ट आइडियाज, अल्टीमेटली कहने को तो पूरी की पूरी लैंड को उसने सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। आपको सोचो कि करेंसकी के बाद सारी की सारी रशिया की लैंड गवर्नमेंट की लैंड हो गई, अब जो भी प्राइवेट लोग थे, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको कितना लॉस हुआ, और ऐसे में लेनिन ने क्या किया, रशिया को सोशलिस्ट कंट्री बनाने का हर एफर्ट किया। लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन, यहां तक हमने पढ़ना है स्टालिन, ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। हाँ वो ही करेंगे ना, हाँ मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, आपको पता है हमने सिर्फ पॉजेस किए, मैं यहाँ से 900 खाते हैं। हाँ जी, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1905 द ईयर। जब भी हमने किसी भी ईयर को पढ़ना होता है ना, हम वहीं से स्टार्ट नहीं करते हैं, लिटिल बिट बिफोर 1904। थिंग्स याद रखो कि 1904 में क्या था, बैड वेदर कंडीशंस, कोल्ड सीवियर विंटर, और जब कंट्री में विंटर सीजन बहुत ज्यादा होता है, बीट के लिए बहुत लॉस होता है,
ठीक है, तो एक लकी अनलकी ईयर था 1904 रशिया में, जिसके कारण फार्मर्स को लॉस हुआ और उनको अपने वीट का वो प्राइस नहीं मिल पाया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, मेन ये प्रॉब्लम आई फार्मर्स के साथ। दूसरी तरफ वर्कर्स दे वर आल्सो फेसिंग, वर्कर्स की प्रॉब्लम्स क्या थी, दे वर फेसिंग मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। वर्कर्स की प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, वर्किंग आवर्स वर टू लॉन्ग, ठीक है, वेजेस वर नॉट गिवन, अनहाइजीनिक कंडीशंस, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, कंपनसेशन वाज नॉट गिवन टू देम, नो हॉलीडेज, तो ये सारी कंडीशंस थी। और इकोनॉमिक कंडीशन आपने पढ़ी कि प्राइसेस वर वेरी हाई एंड एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज जो थी वो सबको नहीं, सबको मतलब होता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी एम्प्लॉयमेंट देने। सो दिस वॉज द रीजन मेनी वर्कर्स दे फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा बताकर ये आपने फर्स्ट पॉइंट बताना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इसमें इकोनॉमिक कॉजेज ही बता देने। पहले आप इकोनॉमिक कंडीशन बताओगे कि 1904 में क्या चल रहा था, फार्मर्स एंड वर्कर्स बोथ वर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। फिर सेकंड मेन इवेंट बतानी, इवेंट बताने के लिए आपने फैक्ट्री का नाम बताना है, ड्यूटी ऑफ आयरन फैक्ट्री, फैक्ट्री का नाम याद रखो, और ये कहां पे थी, सेंट पीटर्सबर्ग। प्लेस का नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग। आपने क्या बताना है, फोर मेंबर्स वर डिसमिस फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री का नाम क्या था, ड्यूटी ऑफ आयरन वर्क्स फैक्ट्री। अब ये जो फोर मेंबर्स थे ना, ये ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, ये किसी एसोसिएशन के मेंबर्स थे। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे जिनके ऑनर्स थे, उनको ये जब इनको पता लगा कि जो चार मेंबर्स हैं ये पूरी इंडस्ट्रीज को करप्ट कर रहे हैं, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। और उनको नहीं पता था कि इन चार मेंबर्स को निकालना आगे जाकर ये पूरा रेवोल्यूशन लेकर आएगा। नेक्स्ट डे उनको सपोर्ट करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, उन फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने इनको सपोर्ट किया कि इनको जॉब पे क्या लिया जाए, क्या दिया जाए, वापस लिया जाए। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी जो है वो बातें सुनने को रेडी नहीं थे, तो ऐसे में ये सारे जो वर्कर्स थे ये इकट्ठे होकर किसके पास गए, फादर गैपो, जिनको जार बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इनको लगता था वर्कर्स को कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो जार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें किसको लेकर जाना चाहिए, एक मिडल मैन, और वो मिडल मैन कौन थे, फादर गैपो। थर्ड आप क्या बताओगे, उनकी इंपॉर्टेंस बताओगे, यानी कि नेम आपने बताना है, फादर गैपो ही लेड द प्रोसेशन। ये प्रोसेशन बन गया, प्रोसेशन का मतलब होता है लोग इकट्ठे हुए, जैसे आपने देखा दिल्ली में फार्मर्स इकट्ठे हुए थे उनको लीड किया ना, ऐसे ही फादर गैपो जो थे काइंड ऑफ लीडर इनके बने, जो कि मिडल मैन, मिडल मैन का मतलब है जार निकोलस से बात करने के लिए, ताकि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें वर्कर्स को फैसिलिटीज दी जाए। ठीक है, अल्टीमेटली वो चार मेंबर्स की डिमांड नहीं थी, वो सबकी डिमांड थी। फिर आपने बताना है इनकी डिमांड्स, डिमांड्स बता दो, क्या डिमांड थी, वर्कर की डिमांड्स क्या थी, सारी डिमांड्स बता दो, तीन चार डिमांड्स याद रख दो, कि वर्किंग आवर्स को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, वेजेस हाई किए जाए, ठीक है, थर्ड कंपनसेशन दिया जाए, एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द वर्कर शुड बी गिवन, एंड जिन चार मेंबर्स को निकाला है उनको क्या लिया जाए, वापस जॉब पे लिया जाए। ठीक है, ये हमने बता देना फोर डिमांड्स। और इनका प्रोसेशन जो था वो अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहे थे, प्रोसेशन विंटर, विंटर पैलेस। किसका पैलेस था वो, जार निकोलस सेकंड वाज लिविंग इन द पैलेस, और अल्टीमेटली जार निकोलस को ये लगा कि कहीं ये सारे जो है वो अटैक करने तो नहीं आ रहे, तो जार निकोलस सेकंड ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड आर्मी ही डिस्पेंडेड ऑल, डिस्पेंडेड का मतलब होता है लोगों पे अटैक करवाया, और उस अटैक में मैनी पीपल दे वर किल्ड एंड गॉट इंजर्ड। अपनी ही कंट्री के लोगों के ऊपर जब अपनी ही कंट्री का किंग अटैक करवाता है तो लोगों की नजर में किंग क्या बन जाता है, ठीक है, तो ये एक मेन फैक्टर बना, दैट्स व्हाई पीपल इन द रशिया दे टर्न्ड अगेंस्ट द किंग और मोनार्की सिस्टम। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ, ये सारा आपने इसमें बता दोगे, फिफ्थ सारा डिमांड्स और इवेंट बता दो, दैट दे वर अटैक बाय द पुलिस एंड दे वर अटैक बाय द आर्मी, ठीक है, विंटर पैलेस का बताओगे। लास्ट में आपने क्या बताना है, किंग का डिसीजन क्या था, अब
1905 का ईयर यानी कि संडे का दिन था, संडे के बाद नेक्स्ट वीक सभी जितने भी फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे या कंट्री में अलग अलग लोग जो थे वो जार के अगेंस्ट हो गए। जार को ये लगा कि अब लोग उसके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो जार ने लोगों की जिसे हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग या लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए क्या किया, पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दी। पार्लियामेंट बनेगी तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो वर्कर्स के लिए राइट्स बनेंगे। तो जार ने सोचा कि पार्लियामेंट जो है वो बनाते हैं ताकि कंट्री में जो भी लोग हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए, और इस पार्लियामेंट का नाम क्या दिया गया, जार गेव परमिशन टू फॉर्म ड्यूमा। एंड ड्यूमा वाज क्या थी, ड्यूमा ड्यूमा वाज शबर, ड्यूमा क्या थी, ड्यूमा क्या थी बेटा, स्टैंड अप, हां स्टैंड अप, ड्यूमा वाज द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। वॉज इट लीगल और इलीगल, लीगल, why it was legal, because king gave permission to form Duma, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंने करवाई नहीं, इसकी फुल फॉर्म है ही नहीं, इसका नाम ही क्या है, Duma, ठीक है। अच्छा Duma तो बन गए, लेकिन ये जो Duma थी, इस Duma को इलेक्ट की, इलेक्ट का मतलब है डेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेटिक वे में बनी थी, लोगों ने इलेक्शंस, इलेक्शंस का मतलब है कि इनको राइट टू वोट दिए गए एंड उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया। लेकिन आपको पता है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट, ऑल द लिबरल्स, रेडिकल्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, दे वर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि किंग ने अपने अगेंस्ट एक ऐसी पार्लियामेंट बना ली जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रुप थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे, कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ डेमोक्रेट्स, ठीक है, कलम करेंगे बाकी।